मेरे को फ्रेंड्स जब हम फ्लावरिंग प्लांट्स को अपनी छोटे छोटे पॉट्स में ग्रो करते हैं तो उसकी अपनी खूबसूरती होती है, लेकिन एक जगह पे इतने सारे प्लांट्स जो हैं उनकी खूबसूरती देखना और एक नज़ारा जो है उसका व्यू अपना होता है। तो हम ये जो आपको दिखा रहे हैं देख रहा हूँ तो देखने का नज़ारा बहुत खूबसूरत है, आपको इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा। ओलिव फ्लावर्स सर्दियों की बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स होती हैं, बहुत से कलर्स में आते हैं और बड़े यूनिक तरीके से ग्रो करते हैं। जिस तरह से आम फ्लावर्स ग्रो करते हैं उससे थोड़ी इनकी डिफरेंट लुक होती है, लीव्स और फिर फूल फिर लीव्स, तो एक स्पाइक में ये ग्रो करते हैं और बहुत टॉल होते हैं। अगर हम इन्हें गमलों में ग्रो करना चाहते हैं तो फिर इनके लिए वेल साइज्ड गमलों का इंतखाब करें और ज़्यादा बेटर होता है कि इन्हें ज़मीन में लगाया जाए, और अगर ज़मीन में ग्रो किया जाए तो तकरीबन ये 9 फीट तक चले जाते हैं, 9 फीट तक इसकी हाइट हो जाती है। जिस तरह से सनफ्लावर्स ग्रो करती हैं उसी तरह ये होती हैं, और गार्डन में एक बैकग्राउंड लुक देने के लिए वर्टिकल लुक देने के लिए इन्हें ग्रो किया जाता है, क्योंकि ये आई लेवल तक अपनी हाइट को गेन कर देती हैं और इस तरह से जो है स्पाइक्स में ये ग्रो करती हैं, फूलों से भर जाती हैं। इनके फ्लावर्स काफ़ी दिन तक स्ट्रे करते हैं, इन्हें हम देर तक भी यानी कि सर्दियां जाने के बाद भी गर्मियों में भी इनकी इस ब्यूटी को एंजॉय कर सकती हैं। इनकी एक और ख़ूबी यह है कि ये सेल्फ ग्रो करते हैं, कि इनके जो बीज हैं जिस जहां पे हमने फर्स्ट टाइम सीडलिंग की होती है वहां पर गिरने के बाद दोबारा इसे ये ग्रो कर जाती हैं, और बहुत ही केयरफुली प्लांट्स होती हैं, बस इनकी सॉइल को जो है ड्राई नहीं होने देना आपने। कुछ टिप्स जिनका आप ख्याल रखें तो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होगी, फुल सन में ग्रो करें, प्लांट की हेल्थ के लिए इसे वेल ड्रेन सॉइल में ग्रो करें, सॉइल को मॉइस्ट रखें, सॉइल रिच होनी चाहिए यानी उसमें कोडंग का इस्तेमाल करें, और इसे ड्राई नहीं होने देना, अगर ड्राई होने देंगे तो पत्ते इसके पीले होने शुरू हो जाएंगे। अगर इस प्लांट का आप लाइफ स्पैन 2 से 3 साल लेना चाहते हैं तो इसकी थोड़ी गर्मियों में केयर करनी होगी, ये गर्मियों में भी चल जाएगा। तो अगर आप गर्मियों में इसे जो है 2 से 3 घंटे की धूप दें और उसके बाद वहाँ पे छांव आए तो ये गर्मियों में भी सर्वाइव कर जाती हैं, और बाज़कत पूरा साल जो है ये फूल देती हैं। सिंगल पेटल्स भी होती हैं और डबल्स में भी आती हैं, डबल्स में भी इनका हुस्न बहुत ज़्यादा होता है। वाटरिंग इन्हें हमेशा नीचे से करनी है, और बीमारियों से बचाने के लिए आप इन पर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। खूबसूरत फ्लावर्स आपको बहुत पसंद आए होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।